पर हम बनाने जा रहे हैं जो आपके प्रैक्टिकल की एक्टिविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट के रूप में आप इसको अपने स्कूल में दिखा सकते हो, बना सकते हो। ये है हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर का सामान, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर होता है एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फुल वेव में। ठीक, आप सब जानते हैं कि ये जो सप्लाई है, इधर देखो, ये जो सप्लाई है अगर हम देखें तो ये एसी है। अगर आप इससे ये एलईडी जलाना चाहोगे तो एलईडी तो बहुत जल्दी फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो मुझे इसी सप्लाई से ये एलईडी जलानी है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और कंटिन्यू जलानी है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरे पास होना चाहिए तो डायोड, एक डायोड रूम करवाया आपसे। एक डायोड जो होता है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला इससे थोड़ा आपको वाइड दिखाई देगा, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको। एक तरफ से देखो, आप ध्यान दोगे, नीचे को लेके आओ, ये देखो दिख रहा है, ये इधर का हिस्सा जो होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइटिस होगा। ये होता है एन पार्ट, और ये जो बड़ा ब्लैक पार्ट होता है वो होता है पी। तो यहाँ एक सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा पहले, इसको देख लीजिए आप। यहाँ पर हमें रखना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता क्या है, ये रहा मेरे पास ट्रांसफार्मर। आप इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 900 वोल्ट आउटपुट देता है, 200 वोल्ट इनपुट लेते। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। क्योंकि हमें यहाँ पर 200 वोल्ट को चेंज करना है एक या दो वोल्ट में, तो मैं यहाँ पर क्या लेके आना होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेके आना होगा। सुनो, ये होता है इसके इनपुट, ध्यान से देखो, मैं यही दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ इसमें, ये होता है इनपुट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, ये इनपुट है और हमारे पास ये होते हैं मैन जो कॉइल के तार होते हैं। अब आप देखो, हमारे पास ये एक कॉइल बन गई, ये कॉमन तार होता है, ठीक है। एक कॉइल तो ये बन गई बेटा हमारे पास, और एक कॉइल ये बन गई। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो लाइन में आउटपुट दे रहा है, तो एक लाइन तो ये कंप्लीट हो गई और एक लाइन ये कंप्लीट हो गई। तो चलो जल्दी से आप पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइस लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, चूंकि सप्लाई हमें चाहिए, काम तो हमारा इनसे भी हो जाएगा, ये जो दो डायोड है इनसे काम हो जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। अब जो आपकी लाइट बिजली होती है, अगर हम इसमें देखें तो हम ये पाते हैं कि कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाती है, तो फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। हमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये कैपेसिटर है। खैर, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कनेक्शन दिखाएगा वैसे हम यहाँ पर सबसे पहले एलईडी फिट करेंगे। ऐसे एक फिट कर दी एलईडी, ठीक है। ये एलईडी का ही सिंपल होता है, एलईडी भी एक डायोड ही होता है, जनरली लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं, जो कि करंट को क्या करता है, चेंज करता है, मतलब करंट को ऑप्टिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक एलईडी लगा दी, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है। रेजिस्टेंस इजीली लिया जाता है ताकि आप इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को कम कर सको, क्योंकि ये बहुत छोटी डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस है, ख़राब हो सकती है, इसलिए इसको हम नाम तोड़ के ही करंट देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक रेजिस्टर लगाया, ये लगाया हमने रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर कितने ओम का आप ले सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा आपका 100 ओम, राइट। 100 ओम का आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, ये आपने रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे, ठीक। और रेजिस्टेंस को जैसे कि इसमें दिखा रखा है, इस बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ना है, तो बेटा तो ध्यान रखना, सीरीज में जोड़ने के लिए एक टर्मिनल लेके ऐसे जोड़ लिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर दो वायर दिखाई देंगे डिस्क्रीट, एक ये एक ये, ठीक है। आगे का काम करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं पैरेलल में एक कैपेसिटर, हम जल्दी से जोड़ देते हैं इसको, ये जोड़ दिया, ठीक है। इसके भी दो टर्मिनल हैं, कनेक्शन को देखते रहें। अब ध्यान से देखो, एक कनेक्शन में एलईडी का एक पोल है, एक कनेक्शन में एलईडी का, ये एलईडी का पोल है, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब कनेक्शन जो है ना, बेहतर कनेक्शन होंगे आपके, ये तो मैंने हाथ से वैसे ही कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। आप ग्लू गन का और जो आपका वायर होता है, जो टाके लगाने वाला होता है, सोल्डिंग वायर, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन हुआ हमारा, एक कनेक्शन इसके साथ, तो कैपेसिटर को तो हमें चूंकि पैरेलल में जोड़ना था, तो कैपेसिटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, जुड़ गया यहाँ तक, ये काम हमारा फाइनल हो गया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो
डायोड है, हम उनको सेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एन साइड है, ये जो लाइन होती है ना, ये होती है बेटा एन साइड, ठीक है। ये होता है एन साइड और ये होता है पी साइड। तो ये है हमारे पास जो वाइटिस एरिया है ना, ध्यान रखना, जो वाइटिस एरिया है यहाँ पर वो एन साइड है, और जो ब्लैकिश एरिया है वो है पी साइड, ठीक है। ये वाइटिश एरिया है, ये होगा एन साइड, ठीक है ना। चले अब देखो, तो एन को हम एन की तरफ रखते हैं और पी को पी की तरफ रख दिया। देख वेदांश, इसमें से देख लेना बेटा, है ना, आराम से बना लिया, देख के रख दिया हमने यहाँ पर, ये लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एन को एन की तरफ को मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, उधर से उल्टा दिखा था ना, ठीक है। एक वायर लीजिए, यहाँ देखते हुए चले, ये जो कॉमन जोड़ा है आपने, जो बेटा कॉमन जोड़ा है आपने, देखो ये जोड़ दिया ना, इसको कैपेसिटर के एक टर्मिनल से ऐड कर देंगे। तो ये हमने कॉमन जोड़ा है, ठीक है, इसको कैपेसिटर के एक टर्मिनल से, यहाँ एक टर्मिनल है ये रहा, इससे हम ऐड कर देंगे इसको, जोड़ दिया। ठीक है भाई, ठीक है, गूगल वगैरह से चिपका दिया। अब हमें ना यहाँ पर एक को जोड़ देना, इस जो डायोड का टर्मिनल था ना उससे, जो हमारा तीसरा वायर ध्यान दो, ये कहाँ जा रहा है, ये वो जो आपका कैपेसिटर है उसके दूसरे टर्मिनल पे जा रहा है। तो जो तीसरा वायर है इसको भी निकाल लो आप, इसे निकाल दिया, अच्छा इसमें से ये अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें से दे देंगे, निकाल दिया तीसरा वायर। तो जो कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल था ना, हमने उसके साथ इसको ऐड कर दिया, कर दिया बेटा। अब आपका कनेक्शन हो गया पूरा, हो गया। अब आप इसको जला के देखते हैं, है ना, ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना। चलो कनेक्शन कर लेंगे इसके, देखो ध्यान से जैसे मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखें कि एलईडी का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो रेजिस्टेंस से जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ही हम लगा के देखेंगे तो पाएंगे कि देखते हैं, चलो ये जलती है नहीं जलती है, क्या है, जलेगी, यस ये जल गई। तो हमारा यहाँ दिखाओ जल रही है, yes, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अच्छा तुम एक चीज और देखोगे, आप पाओगे, देखो इधर नहीं, आप क्या देखोगे, आप देखो अभी भी कुछ टाइम तक ये जल रही है, पता है क्यों जल रही है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर ने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया है। जब चार्ज स्टोर कर लेगा ये, तो क्या करेगा वो चार्ज कुछ टाइम तक डिलीवर करेगा इसको, और जब तक ये डिलीवर करेगा तब तक ये थोड़ी बहुत जो है वो ग्लो करती रहेगी यहाँ पर, अगर हम देख पाएँ तो। हल्का सा एलईडी ऑफ करो इसका, ये देखो, है ना, तो ये तब इसके चार्ज की वजह से क्या हो रही है, ग्लो हो रही है, ठीक है। तो ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर।